So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for those who are preparing for Sanskrit interview. Or I hope कि आज के session के अंदर हम Sanskrit related बहुत से technical round के questions करेंगे और बताना चाहेंगे अपने दोनों channels PD classes और intro guide पर आप abundant of videos regarding teacher intro देख सकते हैं और बहुत कुछ वहाँ से free of course सीख भी सकते हैं। चलिए प्रहलाद, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। प्रहलाद आप जौनपुर से, यूपी से? जी सर। कि हमारे पास यहाँ पर हरियाणा से कैंडिडेट है अनीता, हमारे पास यहाँ बिहार से कैंडिडेट है मिस्टर विकास, और ये भी इस इंटरव्यू के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर। तो मिस्टर, मैं सबसे पहले प्रहलाद जानना चाहूंगा आपसे, आप संस्कृत के लिए जा रहे हैं तो हम चाहते हैं एक पोएम आप हमें सुनाइए और वो भी संस्कृत में सुनाइए, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। श्योर सर, प्लीज। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, पथि पाषाणः प्रखरः विषमः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं, जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। थैंक यू सर। वेरी गुड। क्या सारांश क्या निकलता है इस पर? सर, इसका जो मूल सारांश है कि हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, हमें कोई भी परिस्थिति हो हमें आगे चलना, चलते रहना है, बढ़ते रहना है। इसमें जो अगली पंक्ति आती है कि गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, निकेत माने घर होता है यहाँ पर। okay. गिर शिखरे, गिर का मतलब होता है पर्वत, पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। यहाँ पर पर्वत के शिखर पे घर का मतलब यह है कि हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत कठिन है, बहुत दूर है। और विनैव याने, बिना यान के, बिना किसी सहारे के, नगारोहण, हमें वहाँ तक पहुँचना है, आरोहण करना है। और बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना जो बल है, अपना बल जो है वही, उसी को साधन बनाना है, उसी के माध्यम से हमें उस शिखर तक पहुंचना है। कहने का मतलब अपने लक्ष्य को हासिल करना है। वेरी गुड। अनीता मैडम, आप कोई क्वेश्चन पुट अप करें। ओके सर। आप मेरे को ये बताइए, आपने संस्कृत विषय ही क्यों चुना? मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और संस्कृत में श्लोकों का वाचन करना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, संस्कृत आदि भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, तो मुझे संस्कृत का टीचर बनने में बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं आदि भाषा के लिए एक कुछ कर सकूंगा, तो ये उद्देश्य है। माहेश्वर सूत्र की जी सर, मुझे कुछ जी सर, इसके जी सर, पौराणिक कथाओं में ऐसी कथा आती है कि जब भगवान शंकर पार्वती माता के जब यज्ञ में कूद जाने के बाद में उन्होंने एक नृत्य किया था, तो उस नृत्य से उनके डमरू का नाच, नृत्य के अंत में डमरू बजाया था। okay. तो उसी डमरू की ध्वन सुन करके महर्षि पाणिनि ने कुछ ऋषियों के उद्धार के लिए उस सूत्र में से निकले, और डमरू से निकले हुए जो शब्द निकले थे उसी को पिरोया और उसी से माहेश्वर सूत्र की रचना करी थी उन्होंने। okay. और ये कितने हैं सर? ये माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है सर। okay. स्वर क्या होता है? स्वर वह होते हैं जो कि बिना किसी शब्द की सहायता से बोले जाते, स्वयं राजते इत स्वराह, जो स्वयं विराजमान हो उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन होते हैं सर, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। कोई श्लोक सुना सकते हैं आप? अच्छा जी सर, बताइए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अर्थ सर, अभिवादनशील से, जो भी अभिवादनशील होता है, जो भी अपने से बड़ों का सम्मान करता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य माने प्रतिदिन, वृद्धो माने जो वृद्ध की यानी कि अपने से बड़े की और सेवा करता है, पसेविनः मतलब सेवा करना, सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु उसकी बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, बल बढ़ता है और विद्या की बढ़ोतरी होती है उसमें। वेरी गुड। यस मिस्टर विकास, आपने ये माहेश्वर सूत्र बात करी, इसका मंत्र क्या है, इस मंत्र को सुना? जी सर, जब माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई तो महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम,
नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका अर्थ, इसका भावार्थ ये है सर कि नृत्यावसाने, नृत्य के अंत में भगवान शंकर ने जो तांडव नृत्य किया था, नृत्यावसाने अवसान मतलब होता है समाप्ति पे, नृत्य के समाप्ति पर जब उन्होंने तांडव नृत्य किया था तो ननाद ढक्काम, ननाद मतलब बजाया, ढक्का माने डमरू को, अपने डमरू को बजाया, नव पंच बारम, नौ और पाँच यानी कि 14 बार बजाया। और पे एक चीज है नटराज राजो, जी सर ये नटराज राजो वर्ड क्यों आया? नटराज इसलिए कि भगवान शंकर को जो है कि नट, नट का मतलब ये होता है कि जो विभिन्न प्रकार के गण होते हैं उनके, उनके राजा यानी कि भूत प्रेत जो भी होते हैं उनको नट कहा जाता है, और उनके राजा शिव माने जाते हैं यानी कि उनके भगवान शिव माने जाते हैं, तो उनको नटराज कहा गया है यहाँ पे। तो जब नौ, नव पंच बारम, नौ और पाँच बार उन्होंने जब बजाया डमरू को, और उद्धर तो काम है सनकादि सिद्धांत, जो सनक सनंदन आदि ऋषि थे उनके उद्धार के लिए, ऐसा पाणिनि जी कहते हैं कि विमर्श करके शिव सूत्र जालम, और शिव सूत्र के सर कई नाम मिलते हैं, इसके माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर का मतलब महाधन ईश्वर, जो ईश्वरों में सबसे बड़ा है, शंकर जी को ईश्वर में सबसे बड़ा बताया, माहेश्वर सूत्र नाम है इसका। और पाणिनि का सूत्र भी कहा जाता है, जो कि पाणिनि ने इसको लिखा है, पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है इसको। जी सर, उद्धर तु काम सनकादि सिद्ध एतद विमर्श, ये विमर्श कौन किया है? हाँ, ये विमर्श किया है पाणिनि जी ने ही खुद विमर्श किया है कि उनके उद्धार के लिए ऐसा विचार करके उन्होंने सूत्र की रचना की है। आपके फेवरेट राइटर? हमारे फेवरेट राइटर महर्षि कालिदास हैं। उनके बारे में कुछ? उनके बारे में सर कहानी तो बहुत लंबी है, अगर आपकी उनके कुछ हमें वैसे सुना दीजिए कोई लिखित उनकी। हाँ, उनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके। और मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत उसको पढ़ा है। श्लोक के साथ? नहीं सर, उसमें याद नहीं उसको श्लोक। किस पे बेस है वो? वो अभिज्ञान शाकुंतलम बेसिकली राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी है, और उसमें एक भरत नाम के बालक की भी कहानी है, जिसके ऐसा माना जाता है कि जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जो कि सिंह के बचपन में सिंह के दांत गिन रहा था, तो ऐसा माना जाता है। कवर का उच्चारण सर? कवर का उच्चारण सर कंठ है, और इसको संस्कृत में कहा जाता है अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है। अ कवर, कवर मतलब क ख ग घ अंग, और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उष्व व्यंजन कौन कौन से सर? उष्व व्यंजन होते हैं ष, स और ष और ह, ये चूंकि इनको बोलने से शरीर से मुख से थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको उष्व व्यंजन कहा जाता है सर। ओके। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ? संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सर ऋग्वेद है। और वेद कितने होते हैं? वेद सर चार होते हैं। और पुराण? पुराण सर, पुराण संख्या 18 होती है। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अभी बताया महेश्वर सूत्र के बारे में, वो पूरा बताएंगे क्या? हाँ, महेश्वर सूत्र संख्या 14 होती है, जिसमें से कि चार सूत्र प्रथम के जो हैं वो स्वर होते हैं, जैसे कि अ ई ऊण री ली क ए ओ अंग ए औ च, तो इसको अच प्रत्याहार के अंतर्गत में रखते हैं, चार होते हैं। इसके बाद के जो हमारे और 10 सूत्र हैं उसमें व्यंजन वर्ण आते हैं, इसमें ह य वरट इय म ङ ड न म, आपने लड़ छोड़ दिया, सॉरी वरट लड़, सॉरी ह य वरट लण य म ङ ड न म झ भ ञ घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य ष ख ष र ह ल। आपका कोई फेवरेट श्लोक संस्कृत हो, कि आप भी संस्कृत में वेल वर्स्ड है? डिम 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 कत डिम बडिम बडमरुम पादो रणानु पुरौ फुम फुम फुमकत सर्प जाल हृदयम गम गम च घंटा ज्वरम भम भम भमकत भम भम भवहनम कारुण्य पूर्णाकरम बम बम बमकत बम बम बवनम ध्यायेत् शिवं शंकरं चैतन्यं च मनं मनं मन मनं मानं मनं मानसं माया ज्वर धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं
स्वाहा चार चरम चरम चर चरम चारम चरम वा चरम वैकुंठादि भवम भवम भव भवम भावम भवम माधवम वेरी भावम भवम माधवम बहुत बढ़िया। चलिए आप संस्कृत के टीचर बनने जा रहे हैं तो एक संस्कृत सीखने के लिए किस तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए हमें, अगर आप सिखाएंगे तो किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे? सर सबसे पहले बच्चों को चूँकि कक्षा 6 से संस्कृत स्टार्ट है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनको वर्णमाला का ज्ञान है, उनको क ख पता है और संस्कृत की शुरुआत भी सर यहीं से होती है। तो सबसे पहले हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित यानी क ख से शुरू करके उसको हम संस्कृत में कैसे उच्चारण करते हैं, चूँकि हम हिंदी में लिखते हैं तो क पूरा लिखते हैं जबकि वो दो शब्दों से दो वर्णों से मिलकर बना होता है क और अ। सर संस्कृत में ऐसा नहीं है, उसमें अलग अलग होते हैं। अगर क के नीचे हम हलंत लगाएंगे तभी वह व्यंजन माना जाता है और क अगर क लगा देंगे तो वो वर्ण के अंतर्गत आ जाता है जो कि उसमें अस्वर मिला होता है। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करके उनको हम इस तरह से स्टार्टिंग करके धीरे धीरे संस्कृत की तरफ ले जाएंगे। एकाएक करेंगे सर तो सीख नहीं पाएंगे वो। बिल्कुल, आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, प्राउड ऑफ यू। ओके थैंक यू सर।